हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में फ्रेम इस टॉपिक के ऊपर प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। सो डिटरमाइन द पिन रिएक्शन एट ए बी एंड रोलर डी फॉर द फ्रेम मेंबर्स ए बी सी एंड बी डी। सो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे फ्रेम दिया हुआ है। सो इसका मतलब ये फ्रेम का टॉपिक है और यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिया हुआ है और यहाँ पे आपको पिन रिएक्शन फाइंड करना है ए का, बी का और डी का। सो सबसे पहले आपको ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ये डायग्राम, इसका आपको सॉल्व करते वक्त एफबीडी ड्रॉ करना है। एफबीडी ड्रॉ करते वक्त आपको पूरा डायग्राम एज इट इज ड्रॉ करना है। सिर्फ आपको ये जो इसे कहते हिंज सपोर्ट और इसे कहते रोलर सपोर्ट, सो हिंज सपोर्ट के लिए आप ऐसे रिएक्शंस ड्रॉ करोगे और रोलर सपोर्ट के लिए ऐसे रिएक्शन आप ड्रॉ करोगे। हमेशा सिर्फ रोलर सपोर्ट में, रोलर सपोर्ट के लिए आप सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन शो किया तो भी चलता है और आप हिंज सपोर्ट में ऐसे रिएक्शन शो करना है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्स और ए वाई। बाकी यहाँ पे बी पॉइंट से लेकर यहाँ तक आपको एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, और आपको ए पॉइंट से लेकर सी तक और डी तक एक आपको ट्रायंगल यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स। सो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते। सो हमने एफबीडी ड्रॉ किया है अभी और अब हम यहाँ पे आपका जो एंगल है वो है 30 डिग्री स्टूडेंट्स और यहाँ पे दिया है आपको 60 डिग्री दिया हुआ है, राइट। सो सबसे पहले हम इक्विलिब्रियम की 3 कंडीशंस यूज करते हैं केबल में भी और फ्रेम टॉपिक में भी। सो फ्रेम टॉपिक में इक्विलिब्रियम की 3 कंडीशंस है, समीशन ऑफ एपेक्स इक्वल टू जीरो, समीशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू जीरो और समीशन ऑफ मोमेंट एट कौन सा भी पॉइंट लो स्टूडेंट्स। यहाँ पे जितने पॉइंट्स दिए आप मोमेंट कौन से भी पॉइंट के लिए ले सकते हो। सो सबसे पहले मैं अब स्टार्ट करता हूँ स्टेप सेकंड में और मैं हमेशा मोमेंट वाली कंडीशन पहले लूंगा इक्विलिब्रियम की। सो समीशन ऑफ यम और हमेशा मैं पॉइंट ए से स्टार्ट करूंगा, मोमेंट एट ए इक्वल टू जीरो, ओके। सो मोमेंट का कंसेप्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, अब हम मोमेंट पॉइंट ए पे स्टार्ट कर रहे हैं। So, इसका मतलब है कि मोमेंट हम पॉइंट ए की तरफ जो आ रहा है फोर्स मीन्स ए वाई ए की तरफ आ रहा है फोर्स और ए एक्स भी ए की तरफ आ रहा है। सो पॉइंट ए से आने वाली और जाने वाली सभी फोर्सेस जीरो होती है। सो आपका एक्स और ए वाई ये दोनों क्या हो जाएगा, अभी जीरो हो जाएगा स्टूडेंट्स। सो अब हम 800 से स्टार्ट करते क्योंकि 800 ये पॉइंट सी की तरफ आ रहा है फोर्स, पॉइंट ए की तरफ नहीं, तो हम इससे स्टार्ट करते 800 से। सो 800 पॉइंट ए की तरफ देखे ऐसा आएगा, ऐसे 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 आएगा पॉइंट ए की तरफ। सो इसका मतलब है 800 ए पॉइंट ए की तरफ ऐसे आएगा स्टूडेंट्स नीचे, क्योंकि नीचे डायरेक्शन है ऐसे। सो इसका मतलब है क्लॉकवाइज। सो आप देखिए नेक्स्ट स्टेप में, सो 800 क्लॉकवाइज है इसका मतलब पॉजिटिव इनटू अरे वर्टिकल है स्टूडेंट। सो ये जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ पे आता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ओके। पॉइंट सी यहाँ पे आता है राइट ना, सो पॉइंट सी से एक ए की तरफ आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेना है, मगर यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ही नहीं। सो इसका मतलब आपको अभी ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पहले फाइंड कर लेना है। सो कैसे देखें, सो आपका ए सी और डी, ओके, ए में बेसिक में आपको बता रहा हूं डिस्टेंस कैसे फाइंड करते। सो आपका जो ट्रायंगल क्रिएट होता है ए से लेकर सी तक, ए से लेकर सी तक और यहाँ पे डी, ओके, ये टोटल कितना हुआ 650 और 300 है वो आपका 950। ये आपका एंगल कितना है 30 डिग्री और यहाँ पे है जो है ओके ए टू डी, राइट, ए टू डी हमें फाइंड करना है, ए टू डी ये हमें मालूम नहीं है, ओके। सो अब हम कॉस लिया, कॉस 30 लिया स्टूडेंट्स, यहाँ पे 30 डिग्री। सो कॉस का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स राइट एंगल ट्रायंगल में होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। सो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, सो यहाँ पे एडजेसेंट क्या है एडी और हाइपोटेनियस क्या है आपका ए सी। सो स्टूडेंट्स एडी एडी एज इट इज लिखना है हमें, हाइपोटेनियस कितना है 950। सो आपको कॉस 30 कितना मिलता है स्टूडेंट्स, कॉस 30 इज
एडी अपॉन 950। सो देखिए स्टूडेंट्स, ये 950 इधर आते हो क्या होगा, मल्टीप्लाई कॉस 30 की तरफ। सो 950 इंटू कॉस 30, राइट, ये 950 इसे मल्टीप्लाई करेगा, इज इक्वल टू कितना, एडी। अगर आपने कैलसी पे पुट किया तो आपको आंसर मिलता है 822.73 इक्वल्स टू एडी। सो आपका पूरा ये जो एडी हुआ यहां से यहां तक, ये हुआ आपका 822.73, राइट, सो मिलीमीटर। सो इसका मतलब है 800 क्लॉकवाइज जा रहा है, यहां से लेकर यहां तक अभी हमने डिस्टेंस फाइंड किया वो कितना है स्टूडेंट्स, 822.73। उसके बाद है स्टूडेंट्स आर डी, ओके, 800 के बाद है आर डी। सो आर डी देखिए स्टूडेंट्स, ए की तरफ ऐसे आएगा, ऐसे देखिए ऊपर जा रहा है ना, ऊपर से आपको ऐसे आएगा, मीन्स ए की तरफ देखिए ऐसे जाएगा और ऐसे, ओके। सो मूवमेंट के वक्त ऐसे करते हैं हम, डी से लेकर डायरेक्टली ए तक ऐसे आएगा, इसका मतलब डी पॉइंट ए की तरफ ऐसे आ रहा है, ऐसे मीन्स एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, क्योंकि देखिए ना ऊपर से डायरेक्ट ए तक, ए पे ऐसे जाके ऐसे आएगा ए की तरफ। सो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक हुआ हुआ तो हम निगेटिव लेते, माइनस आर डी, माइनस आर डी, राइट, इनटू, और यहां से लेकर यहां तक टोटल कितना डिस्टेंस है, डी से लेकर ए तक, क्योंकि आर डी कौन से पॉइंट पे, डी से। सो ये कौन सा फोर्स हुआ, वर्टिकल, और हमें डिस्टेंस कौन सा लेना पड़ता है, हॉरिजॉन्टल पॉइंट ए की तरफ। सो यहां से लेकर पॉइंट ए की ए तक कितना डिस्टेंस होता है आपका, 822.73। सो 822.73 इक्वल टू जीरो। सो स्टूडेंट्स, अब हम ये आर डी सॉल्व करेंगे। सो आर डी कैसे सॉल्व करेंगे कैलसी पे, सो सिंपल है स्टूडेंट्स, अगर आपको कैलसी पे देखिए, यहाँ पे मैं लिख के दे रहा हूं, आप आर डी फाइंड करना है तो आर डी की जगह आपको क्या लेना है स्टूडेंट्स, एक्स लेना है कैलसी पे। आर डी फाइंड करना है तो आर डी की जगह आपको एक्स लेना है, और एक्स कैसे आता है कैलसी पे, अल्फा का बटन प्रेस करना है आपको, और उसके बाद अल्फा का बटन कहाँ पे, शिफ्ट बटन के नजदीक, अल्फा बटन के बाद आपको प्रेस करना है क्लोज ब्रैकेट, क्या प्रेस करना है, क्लोज ब्रैकेट। सो स्टूडेंट्स आपको मिल जाएगा एक्स, अल्फा बटन शिफ्ट बटन के नजदीक है और क्लोज बटन, क्लोज ब्रैकेट का बटन है 9 बटन के ऊपर है, सो आपको एक्स मिलेगा स्टूडेंट्स। सो आप कैलसी पे आर डी की जगह क्या लो स्टूडेंट्स, एक्स लो, आर डी की जगह क्या लो, एक्स लो, और आपके पास अगर 991 ms कैलसी है तो आप ये पूरा कैलसी पे पुट करके बाद में आप शिफ्ट का बटन प्रेस करें, उसके बाद कैल्स का बटन प्रेस करें, कैल्स का बटन शिफ्ट के नीचे ही, फिर से आप शिफ्ट का बटन पुट के प्रेस करें, और फिर से आप कैल्स का बटन प्रेस करें, तो आपको मिल जाएगा स्टूडेंट्स, ओके, आर डी मिलेगा आपको, मीन्स एक्स मिलेगा आपको 800 न्यूटन, ओके, क्या मिलेगा 800। और अगर आपके पास 991 ES+ कैलसी है, 991 ES+, तो आप आर डी की जगह एक्स लो और पूरा कैलसी पे आप पुट करो, तो आपको प्रेस करना है उसके बाद शिफ्ट और कैल्स का बटन, शिफ्ट और कैल्स का बटन, और बाद में इक्वल टू का बटन, पहले शिफ्ट का बटन, देन कैल्स का बटन और इक्वल टू का बटन। सो आपको मिलेगा कैलसी पे 800 आंसर, और यहाँ पे जो फोर्स है आपको किसमें, न्यूटन में, तो आपको लेना है न्यूटन में, ये मिल जाएगा आपको आर डी स्टूडेंट। उसके बाद हम समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू जीरो, मीन्स अब हम एफ ऑफ वाई की कंडीशन लेंगे उसके बाद। सो एफ ऑफ वाई मीन्स सभी वर्टिकल फोर्स, सभी वर्टिकल फोर्स, ये देखिए यहाँ पे ए वाई, ए वाई ऊपर जा रहा है अपवर्ड साइड पे, तो आपको लेना है पॉजिटिव, राइट। आर डी, आर डी भी अपवर्ड साइड पे, तो आपको लेना है जो ऊपर जाएगा वो पॉजिटिव लेना है आपको आर डी। उसके बाद 800 नीचे आ रहा है, सो आपको लेना है 800 नीचे आ रहा है, सो माइनस लेना है इक्वल टू जीरो। समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई मीन सभी वर्टिकल फोर्सेस, ऊपर जाएगा अपवर्ड साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव, नीचे आएगा तो निगेटिव। सो स्टूडेंट्स ए वाई एज इट इज, आपका जो आर डी है वो आर डी आया 800 और ये माइनस 800 इक्वल टू जीरो। सो प्लस 800 माइनस 800 दोनों क्या हो गए, कैंसल। सो आपको मिलता है ए वाई ए जीरो मिलता है स्टूडेंट्स, राइट। अब हम
समीशन ऑफ एपेक्स इक्वल टू जीरो, तीसरा कंडीशन लेके ये पहला लिया था, ये इक्विलिब्रियम का दूसरा और ये तीसरा एपेक्स। एपेक्स मीन्स स्टूडेंट्स हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल फोर्सेस मीन्स हॉरिजेंटल जो भी होगा फोर्स हो, तो यहाँ पे एक्स है हॉरिजेंटली, देखिए स्टूडेंट्स हॉरिजेंटल, सो हॉरिजेंटली मगर ये इस साइड में जा रहा है, ये साइड है आपका पॉजिटिव, दूसरा कौन सा ही फोर्स नहीं है, सिर्फ एक्स ही है, सो आप एक्स इक्वल टू जीरो, सो आपको एक्स भी मिल जाता है इक्वल टू जीरो, सिर्फ एक्स ही है ना हॉरिजेंटल, सो आपका एक्स मिलता है जीरो। उसके बाद स्टूडेंट अब हम स्टेप थ्री में, सो हमें एक्स ए वाई, एक्स ए वाई मीन्स पॉइंट ए की तरफ से पॉइंट ए का रिएक्शन फाइंड करना था हमें, एक्स और ए वाई फाइंड हो गया, एक्स ए वाई और डी का भी बोला था क्वेश्चन में, सो आर डी भी फाइंड हो गया, अब बचा है सिर्फ बी, बी पॉइंट का हमें ओके रिएक्शन फाइंड करना है, कॉम्पोनेंट फाइंड करना है, सो सबसे पहले हमें एफ बी डी, एफ बी डी ऑफ, एफ बी डी लूंगा मैं ए बी सी का, ए बी सी मीन्स ए बी और सी, अगर ये मैंने फ्रेम लिया तो मुझे बी, बी के भी कॉम्पोनेंट्स फाइंड हो जाएंगे, बी के भी कॉम्पोनेंट्स फाइंड हो जाएंगे ये फ्रेम लिया था। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स में ये ड्रॉ करूंगा राइट, उसके बाद यहाँ पे ओके, सो यहाँ पे क्या स्टूडेंट्स है, यहाँ पे बी, सो यहाँ पे सी और यहाँ पे ए, ओके सो ये आपका एक्स और ये ए वाई, आपके पास ये आपके ए बी एक्स और ए बी वाई और सी की तरफ आ रहा है 800 न्यूटन। सो आप लोग सबसे पहले यहाँ पे आप समीशन ऑफ एपेक्स इक्वल टू, फिर वही इक्विलिब्रियम की थ्री कंडीशन, कौन सी भी लो आप समीशन से स्टार्ट करो, एपेक्स एफ वाई से स्टार्ट करो, मैं यहाँ पे एपेक्स लेता हूँ, एपेक्स है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, देखिए स्टूडेंट एक्स इस तरफ आ रहा है मीन्स पॉजिटिव और बी एक्स इस तरफ जा रहा है मीन्स निगेटिव इक्वल टू जीरो, सो एक्स क्या है स्टूडेंट आपका एक्स जीरो माइनस बी एक्स इक्वल टू जीरो, सो माइनस बी एक्स उस साइड जाएगा तो आपको बी एक्स मिलेगा जीरो, इसका मतलब बी एक्स आपका है जीरो। फिर मैं समीशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू जीरो, सो समीशन ऑफ एफ वाई सिर्फ मुझे ए वाई ऊपर जा रहा है अपवर्ड, बी वाई ए बी अपवर्ड साइड जा रहा है, सो जो भी ऊपर जाएगा स्टूडेंट्स वो होना है आपका पॉजिटिव, देखिए ए वाई ऊपर जा रहा था पॉजिटिव, बी वाई भी ऊपर ही जा रहा है पॉजिटिव, सी के तरफ जो फोर्स आ रहा है वो नीचे आ रहा है मीन्स ए निगेटिव 800 इक्वल टू जीरो, सो ए वाई कितना है स्टूडेंट्स आपके पास जीरो प्लस बी वाई और ये माइनस 800 रूट साइड जाते हुए क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स प्लस 800, सो जीरो हम नहीं लेते तो आपको बी वाई क्या मिला है स्टूडेंट्स 800 न्यूटन। सो स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चन में क्या दिया था, क्वेश्चन में दिया था कि डिटरमाइन, डिटरमाइन पिन रिएक्शन एट ए बी एंड रूलर डी, सो हमने देखिए ए की जो रिएक्शन से वो एक्स ए वाई यहाँ पे फाइंड किया एक्स और ए वाई, डी का यहाँ पे आर डी, सो आर डी फाइंड किया और बी का बोला है हमें बी मतलब बी एक्स और बी वाई, सो बी एक्स आपका आता है जीरो और बी वाई आपके पास 800 लिया।